दोस्तों, क्या आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है जो अभी तक जिंजर ब्रेड वर्जन पर काम करता है? अगर मौजूद है तो ये वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर इस वर्जन के साथ क्या होने वाला है। लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूँ अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वीडियो में बात कर रहे हैं एंड्रॉइड के जिंजर ब्रेड वर्जन के बारे में। तकरीबन 2012 से 13 के बीच में जो फोन लॉन्च हुए थे एंड्रॉइड के, उनमें ये वर्जन हमें देखने को मिलता है, जिसको कि एंड्रॉइड 2 भी कहा जाता है और इसका निकनेम जिंजर ब्रेड के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। अब जैसे अपडेट मिलते हैं तो लोग अपने अपडेट करके फोन को अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी तक इसको अपडेट ना किया हो और उनके फोन स्टिल अभी भी उसी जिंजर ब्रेड के एंड्रॉइड 2.3.7 वर्जन पर काम कर रहे हो या फिर उसके नीचे के किसी वर्जन पर काम कर रहे हो। अब दोस्तों, खबर क्या है कि गूगल ने इन सभी यूजर्स को जो रजिस्टर्ड उनकी ईमेल आईडी है उन पर ईमेल सेंड किया है कि 27 सितंबर 2021 के बाद उनके फोन पर गूगल की जो मोबाइल सर्विसेज की एप्लीकेशंस हैं, पूरा का पूरा जो पैकेज है उसमें कोई भी एप्लीकेशन अब वो यूज नहीं कर पाएंगे, साइन इन नहीं कर सकते। अगर कोशिश करेंगे 27 सितंबर के बाद तो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड में उनको एरर दिखाई देगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। हालांकि कुछ स्टेप्स भी बताएं गूगल ने कि अगर स्टिल आप चाहते हैं कि आप अपने फोन को यूज कर पाए तो फिर क्या करना होगा आपको। ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी गूगल एप्लीकेशन कोई भी काम नहीं करती है तो फोन में दिए गए ब्राउजर की मदद से आप कोई भी सर्च कर सकते हैं गूगल की, या फिर गूगल की एप्लीकेशन ब्राउजर के थ्रू यूज करके वहां पर लॉग इन और साइन अप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउजर के थ्रू। एप्लीकेशन कोई भी काम इसमें गूगल की नहीं करेगी, बाकी दूसरी एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं जब तक कि वो बंद ना करें। अब एक और तरीका हो सकता है कि आप चाहें तो अपने जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है फोन का उसका अपडेट चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपके फोन पर वो जिंजर ब्रेड से ऊपर का अपडेट पहले ही दे चुका हो या अभी भी आपको मिल पा रहा हो। अगर ऐसा आपका फोन सपोर्ट करता है तो फिर आप सेटिंग्स में जाइए, वहां पर अपडेट चेक कर लीजिए और अपने फोन को कर लीजिए अपग्रेड। अगर वो उससे ऊपर के किसी वर्जन में अपग्रेड हो जाता है, रैम वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोसेसर उस पर डिपेंड करता है कि उस पर होता है या नहीं, अगर हो जाता है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वही फोन यूज करते रहेंगे, आपका अपग्रेड हो जाएगा अगले वर्जन में और आप सारी की सारी सर्विसेज यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये फोन आपका एक तरीके से समझ लीजिए बिना गूगल जो मोबाइल सर्विसेज है उनका हो जाएगा। आप यूज गेम वगैरह में बहुत सारी चीजों में जो आप चाहते हैं नॉर्मली यूज कर पाते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है वो भी आपको समझा देता हूं। गूगल की मेल के अकॉर्डिंग जो पुराने वर्जन है एंड्रॉइड के उन पर अपडेट और उनको सिक्योर रखवाना ताकि यूजर्स का जो डेटा है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो निजता है, उन सब चीजों का ख्याल रखा जा सके, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पुराने वर्जन है। पुराने वर्जन को कब तक दोस्तों घिसा जा सकता है, कब तक उसको क्लीन रखा जा सकता है, एक लिमिट होती है हर चीज की। अब 2012 से 2021 8-9 साल हो चुके हैं तो कंपनी अब कहना चाहती है कि बस अब इससे ज्यादा इसका ख्याल नहीं रखा जा सकता है, अब ये काफी पुराना हो गया है और अब हर आए दिन जो है हैकर्स नई नई चीज तरह के वल्नरेबिलिटी वायरसेस बग्स बना लेते हैं, तो ऐसे में इनको सपोर्ट देना बहुत मुश्किल है। और ऐसे में कंपनियां भी दोस्तों 2-4 साल के बाद फोन जो पुराने हैं उन पर ध्यान नहीं देती है, तो यानी कि आप मैन्युफैक्चरर से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके फोन का ज्यादा ख्याल रखे। तो ऐसे में ऐसे फोन का यूज करने से क्या फायदा है जो कि आपके डेटा, आपकी जो डिटेल्स वगैरह है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन सबको कोई तीसरा आसानी से एक्सेस कर पाए। तो आपको भी चाहिए कि ऐसे फोन्स को आप अपग्रेड कर लें, बंद करें, दूसरा कोई नया फोन ले लें या फिर उसी को कम से कम सिक्योरिटी पैचेस हैं जो अपडेट्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के उनको इंस्टॉल करके अपने फोन को अपग्रेड बनाए रखें। तो ऐसा कुछ कर लीजिए ताकि आपका फोन काम करता रहे, या फिर उसको बस बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए ताकि वो जो उसका सही यूज है वो कम से कम हो सके। बाकी दोस्तों ये थी डिटेल। तो 27 सितंबर से पहले पहले अगर आपके पास या आपके जानने वाले के पास कोई ऐसा फोन है एंड्रॉइड का तो उसको थोड़ा सा सचेत कर दीजिए ताकि वो उसका सही तरीके से अभी से उसकी तैयारी कर सके। बाकी दोस्तों जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े दिखे हमारे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।